हेलो दोस्तों, हमारे पास ये एमआई का 32 इंच का टीवी है जिसका मॉडल नंबर है L32M5-AL, जिसमें ये मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसमें सी सॉर्ट का पैनल लगा हुआ है, इसमें नो पिक्चर का प्रॉब्लम है तो हमने इसको ट्रेस किया है, तो इसमें LC1 LC2 शॉर्ट है आपस में, मीटर में हम देख लेंगे शॉर्टिंग। यहाँ पर 500 ओम्स है, ये आपस में शॉर्ट है। अब हम इसे पहले एक लाइन कट करके देखेंगे ताकि उससे पता चले प्रॉब्लम जो है ये साइड से है या फिर ये साइड से है, तो हम उसकी एक लाइन पहले कट करेंगे। हमने एक लाइन कट कर दी है, अब फिर से शॉर्टिंग चेक करेंगे। यहाँ पर शॉर्टिंग निकल चुकी है, मतलब जो हमारा प्रॉब्लम था वो इसी तरफ से था, तो हम इस तरफ से कट कर देंगे। सारी लाइन कट करना है। हमने कट कर दिया यहाँ पर, अब हम इसे ऑन करके एक बार देख लेंगे, वोल्टेज को चेक कर लेंगे। स्टैंड बाय कर लेंगे। वोल्टेज चेक कर लेंगे, विजुअल विजेज विजुअल -8 वोल्ट आ चुका है, विजेज भी आ चुका है 28 वोल्ट। अब पिक्चर देख लेंगे। पिक्चर आ चुकी है हमारी, यहाँ पर अभी पैनल जो है ऑन हो चुका है, पिक्चर भी पूरी तरह से ओके है। अगर हमने इसे इसी तरीके से चलाया तो ये दूसरी तरफ से भी शॉर्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, और फिर पैनल जो है बंद हो जाएगा। और ये क्यों होगा हम अभी बताएंगे आपको, और इसे कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएंगे। तो हम पहले टीवी को बंद कर लेंगे। ये हमारा पैनल है, नॉर्मल कंडीशन में दोनों तरफ से सीकेवी जाता है जीओए सर्किट पे, दोनों तरफ से जाता है,
जिसमें मॉस्फेट होते हैं जो कि गेट को ऑन ऑफ करने का काम करते हैं। तो अभी गेट ऑन ऑफ दोनों तरफ से होता है, तो मान लीजिए यहाँ से आई एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ से आई एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो हमारा जो अभी पैनल का जो पूरा गेट ऑन करने के लिए करंट चाहिए वो है 2 I, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में है। तो अभी जो हमारे जियो सर्किट के मॉस्फेट्स है उस पर लोड है W = VI, और जब हम कट कर देते हैं लाइन को तो यहाँ से सप्लाई बंद हो जाती है और फिर हमारा जो गेट ऑन होता है एक साइड से होने लगता है, और जो कि हमारे गेट को पूरा ऑन होने के लिए 2 I की ज़रूरत है, तो 2 I जो है यहाँ से ही पास होने लगता है। तो अभी इस कंडीशन में हमारा जो जियो सर्किट के मॉस्फेट है उन पर लोड आ जाता है W = V2I, जो कि हो जाता है W = 2 VI। तो हमारा जब नॉर्मल कंडीशन में था तो उस पर ये था W = VI लोड था, और अभी जो के डबल हो चुका है। जो जियो सर्किट में मॉस्फेट है उनका जो वाट है उससे ज़्यादा उन पर लोड आ चुका है, तो इसके वजह से क्या होगा, कुछ टाइम चल के पैनल जो मॉस्फेट है वो बर्न हो जाएंगे, तो हमारा CKV यहाँ से भी शॉर्ट हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा पैनल जो है बंद हो जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा वी है उसे कम करना होगा, जिससे वाट कम हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो मॉस्फेट है उस पर लोड कम हो जाएगा। तो हमारा जो वी है वो है VGL VGH, तो हमें इन दोनों को कम करना होगा जिससे हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। अब इस पैनल में हम VGL VGH को कम करेंगे IRCOM13 की मदद से। इसके लिए हम पहले कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर हम ग्राउंड HDA SCL को कनेक्ट करेंगे और जो WP है उसे हम ग्राउंड कर देंगे। हमारे बोर्ड में कनेक्शन हो चुका है, हम IRCOM13 में कनेक्शन कर लेंगे। अब हम पहले सप्लाई ऑन कर लेंगे बोर्ड की। अब IRCOM13 को ऑन कर लेंगे। स्टैंड बाय कर लेंगे TV को। अब हम F1 प्रेस करके मेन्यू में चले जाएंगे। यहाँ पर TCON I2C में चले जाएंगे जो कि मेन्यू में 4 नंबर पर है, उसके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें TCON सेलेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे F1 से अप, F2 से डाउन। TCON का नंबर है हमारा ST3151807। क्योंकि हमारा 8 नंबर पे है ST3151807। अब हम पहले रीड कर लेंगे मेन्यू प्रेस करके। ये रीड वेरीफाई ओके हो चुका है। भी हमने देखा था मीटर मल्टीमीटर में वोल्टेज VGL -8 वोल्ट, VGH 28 वोल्ट, इसमें करेक्टली रीड हो चुका है। अब हम VGH को कर देंगे कम। VGH जितना मिनिमम होगा उतना कर देंगे। तो हम यहाँ पर 20 वोल्ट कर दिए VGH को, और VGL को करेंगे, VGL को कम करने के लिए वॉल्यूम प्लस से अप होएगा, सर्विस 1 से डाउन होगा। तो हम इसको मिनिमम -5 वोल्ट कर देंगे,
अब हम ओके प्रेस करेंगे तो राइट हो जाएगा, ये राइट ओके हो चुका है, वेरीफाई भी ओके हो चुका है। टीवी की सप्लाई ऑफ कर लेंगे। आईआर कॉम से डिस्कनेक्ट कर लेंगे, टीफोन से भी हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। अब हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे जो हमने राइट किया है। टीवी ऑन कर लेंगे, स्टैंड बाय करेंगे। VGL -5 वोल्ट हो चुका है, VGH भी 20 वोल्ट हो चुका है जैसा हमने राइट किया था। हम पिक्चर देख लेंगे। विजुअल विजेस को कम करने के बाद हल्का सा ब्राइटनेस जो क्या है कम हो जाता है, बहुत ही मामूली सा। और हमारे एक्सपीरियंस से ये करने के बाद ये प्रोसेस टीवी जो है रिटर्न नहीं आता है, सीकेवी जो है दूसरे साइड से शॉर्ट नहीं होता है।